Welcome to my class. In this video lecture, we will talk about the Sale of Goods Act 1930. Particularly, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेल बाय नॉन ऑनर्स. क्या गुड्स की सेल नॉन ऑनर्स के द्वारा की जा सकती है? किन केसेस के अंदर लॉ परमिट करता है और किन केसेस के अंदर नॉन ऑनर्स की सेल को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा? आइएगा शुरुआत करते हैं सेल बाय नॉन ऑनर्स. सेल बाय नॉन ऑनर्स. The general rule of law is that no one can give that which one has not got. एक वो चीज जो कि एक व्यक्ति के पास है ही नहीं, वो दूसरे को दे ही नहीं सकता. So general rule तो ये है, अगर मेरे पास किसी चीज की ownership नहीं है तो मैं वो चीज की ownership किसी और को नहीं दे सकता. This is expressed in Latin maxim. Latin सिद्धांत के अंदर इसको नाम दिया गया है निमोदत क्वाड नन खबात. नो वन कैन गिव दैट विच वन हैज नॉट गॉट. अगर मेरे पास कोई चीज है ही नहीं तो मैं वो दूसरे को वो चीज दे ही नहीं सकता. सो सिमिलरली, अगर मेरे पास किसी प्रोडक्ट की ऑनरशिप नहीं है तो मैं किसी और को उसकी ऑनरशिप नहीं दे सकता. ए पर्सन हु हैज नो टाइटल आर डिफेक्टिव टाइटल टू द गुड्स सेल्स देम. इन दैट केस The buyer does not get a good title to the goods. एक वो व्यक्ति जिसके पास ownership है ही नहीं या जिसके पास defective ownership है, अगर वो goods को बेचता है तो उस केस के अंदर buyer को एक अच्छी ownership कभी भी नहीं मिलेगी. Let's take up an example. Where a thief sells stolen goods, the buyer acquires no title in spite of the fact that he purchased those goods with bona fide intention and for valuable consideration. जहां पर किसी चोर ने कुछ वस्तुओं को बेचा है उस केस के अंदर बायर के पास अच्छी ऑनरशिप नहीं आएगी, चाहे बायर ने वो बिल्कुल बोना फाइड जेन्युइन इंटेंशन के साथ उस चीज को परचेज किया और बायर ने उसकी पूरी पेमेंट भी करी है. अगर बायर पूरी पेमेंट करता है विद गुड इंटेंशन के साथ किसी स्टोलन वस्तु को लेता है, कोई चोरी की हुई चीज को लेता है, तो बायर को अच्छी ऑनरशिप नहीं मिलेगी क्योंकि उस थीफ के पास उन वस्तुओं को बेचने के लिए ऑनरशिप नहीं थी. जिस व्यक्ति के पास गुड्स की ऑनरशिप नहीं है वो दूसरे को उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता. सो बायर अक्वायर्स नो बेटर टाइटल टू द गुड्स. सो बायर को अच्छे ऑनरशिप राइट्स नहीं मिलेंगे. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 इट प्रोवाइड्स दैट वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय ए पर्सन Who is not the owner thereof. Section 27 हमें ये बतलाता है जहां पर गुड्स बेची गई हैं एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो उन गुड्स का ऑनर नहीं है. And who does not sell them under the authority, और उस व्यक्ति को उन गुड्स को बेचने की अथॉरिटी भी नहीं है. आर विद द कंसेंट ऑफ द ऑनर, जो व्यक्ति गुड्स को बेच रहा है ना तो वो ऑनर है, ना उसके पास अथॉरिटी है, ना ही उसके पास ऑनर की कंसेंट है गुड्स को बेचने के लिए. द बायर अक्वायर्स नो बेटर टाइटल टू द गुड्स देन द सेलर हैड. बायर को सेलर से ज्यादा अच्छी ऑनरशिप राइट्स नहीं मिलेंगे. सेलर की ऑनरशिप डिफेक्टिव है तो बायर की ऑनरशिप भी डिफेक्टिव ही होगी. इफ द रूल ले डाउन अंडर सेक्शन 27 इज एनफोर्स्ड विद रिजिडिटी. जो बात अभी हमने सेक्शन 27 के अंदर करी, अगर इस रूल को हम बहुत सख्ती से अप्लाई करेंगे, देन द इनोसेंट बायर मींस द वन हु बायज इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यूएबल कंसीडरेशन. एक वो व्यक्ति जिसने पूरा भरोसा करके चीज को परचेज किया है और जिसने उस चीज को परचेज करने के लिए पूरा अमाउंट भी पे किया है, ही मे बी पुट टू ग्रेट इनकन्वीनियंस एंड लॉस इन मैनी केसेस. अगर सेक्शन 27 को बहुत सख्ती के साथ अप्लाई किया जाएगा तो जो इनोसेंट बायर है जिसने कि गुड्स को परचेज किया गुड फेथ और वैल्यूएबल कंसीडरेशन के साथ, उसके लिए तो एक बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी और ये हो सकता है कि उसको बहुत केसेस के अंदर लॉस भी सहना पड़े.
Therefore, to protect the interest of innocent buyers, several exceptions have been provided under the law. इनोसेंट बायर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसलिए हमने बहुत सारी एक्सेप्शन लॉ के अंदर बनाई है। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर अब हमारा फोकस उन्हीं एक्सेप्शंस के ऊपर होगा। सेल बाय नॉन ऑनर्स, यहां पर चीजें नॉन ऑनर्स के द्वारा बेची जाएंगी और इनोसेंट बायर जिसने कि इन गुड फेथ और फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन चीजों को लिया है, ही आर शी विल गेट परफेक्ट ऑनरशिप। द फर्स्ट केस इज टाइटल बाय एस्टॉपल, द सेकेंड वन बाय एजेंट, द थर्ड वन बाय को ऑनर, द फोर्थ वन सेल बाय पर्सन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, द फिफ्थ वन सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल, द सिक्स्थ वन सेल बाय बायर इन पोजेशन आफ्टर हैविंग बॉट द गुड्स, एंड द लास्ट वन सेवंथ पॉइंट इज सेल इन मार्केट ओवर्ड। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इन द बिगनिंग एक चीज बतला देता हूं, सेल इन मार्केट ओवर्ड दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। आइएगा अब हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, टाइटल बाय एस्टॉपल। द फर्स्ट एक्सेप्शन इज सेल बाय पर्सन नॉट द ऑनर आर टाइटल बाय एस्टॉपल। एक उस व्यक्ति के द्वारा सेल की जा रही है जो व्यक्ति उस वस्तु का ऑनर है ही नहीं, आर टाइटल बाय एस्टॉपल। टाइटल मींस ऑनरशिप राइट्स, एस्टॉपल हियर मींस टू बी स्टॉप्ड। एक व्यक्ति को यह कहने पे रोक दिया जाएगा कि उसके पास ऑनरशिप राइट्स हैं। वेयर द ऑनर बाय हिज कंडक्ट, जब ऑनर ने अपने व्यवहार के साथ, आर बाय एन एक्ट अपने किसी एक्शन के साथ, आर ओमिशन अपनी किसी भूल के साथ, लीड्स द बायर टू बिलीव दैट द सेलर हैज द अथॉरिटी टू सेल द गुड्स। जहां पर ट्रू ऑनर अपने व्यवहार के साथ, अपने एक्शन के साथ या अपनी भूल के साथ एक्चुअल बायर को इस बात का भरोसा दिला देता है कि जो सेलर गुड्स बेच रहा है उसे उन गुड्स को बेचने की अथॉरिटी है। एंड द ट्रू ऑनर इंड्यूसेस द बायर टू बाय द गुड्स, और ट्रू ऑनर बायर को फुसलाता है, बहकाता है ताकि वो गुड्स को परचेज कर ले। इन दैट केस द ऑनर शैल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट ऑफ वांट ऑफ अथॉरिटी ऑफ द सेलर। उस ट्रू ऑनर को ये बात कहने से रोक दिया जाएगा, डिनाइंग द फैक्ट ऑफ वांट ऑफ अथॉरिटी ऑफ द सेलर, कि सेलर के पास गुड्स को बेचने की अथॉरिटी नहीं है। ट्रू ऑनर को ये बात कहने से रोक दिया जाएगा। मैं इस लाइन को एक बारी दोबारा से इंटरप्रेट कर रहा हूं। जहां पर ट्रू ऑनर अपने व्यवहार के साथ, अपने किसी एक्शन के साथ या अपनी भूल के साथ बायर को इस बात का भरोसा दिला देता है कि जो सेलर उन गुड्स को बेच रहा है उन्हें उन गुड्स को बेचने की अथॉरिटी है, और एक्चुअल में ऑनर इंड्यूस करता है, फुसलाता है, बहकाता है बायर को कि बायर उन गुड्स को परचेज कर ले, उस केस के अंदर द ट्रू ऑनर शैल बी स्टॉप्ड। जो रियल ऑनर है उसको ये कहने पे रोक लगा दी जाएगी कि जिस व्यक्ति ने गुड्स को बेचा उसे तो गुड्स बेचने की अथॉरिटी नहीं थी। द बायर इन सच ए केस गेट्स ए बेटर टाइटल देन दैट ऑफ द सेलर। अगर सेलर के पास ऑनरशिप नहीं भी है, इस केस के अंदर बायर परफेक्ट ऑनरशिप को प्राप्त करेगा। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और इसको नोट कीजिए। A tells B within the hearing of C that he is the owner of certain goods. A B को बतलाता है कि मैं कुछ goods का owner हूँ और ये बात C सुन रहा है, जबकि वास्तविकता ये है कि C उन goods का real owner है। C ये बात सुनने के बाद भी A की statement को cancel नहीं करता, oppose नहीं करता। After some time B buys those goods from A. कुछ समय के पश्चात B ने वो goods A से purchase कर ली। The title of B will be better than that of A and C will be precluded from disputing B's title to the goods. C को ये बात कहने से रोक लगा दी जाएगी कि real owner तो मैं हूँ और A को ये बेचने का अधिकार ही नहीं था। इस केस के अंदर B को perfect ownership मिलेगी। Let's move on to the second point. Unauthorized sale by a mercantile agent. According to section 27,
a mercantile agent, mercantile means business agent, he can convey good title to the buyer. ये buyer को एक अच्छी ownership दे सकता है, even though he sells goods without having an authority from the principal to do so. Agent के पास goods को बेचने की authority नहीं है, लेकिन वो buyer को goods बेचता है. Buyer will get the perfect ownership if the following conditions are satisfied. इस section के accordingly, एक mercantile agent एक buyer को अच्छी ownership दे सकता है, चाहे उस agent के पास उन चीजों को बेचने के लिए प्रिंसिपल के द्वारा कोई अथॉरिटी नहीं दी गई. इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, लेट्स लुक एट दोस कंडीशन. सबसे पहली कंडीशन है, एजेंट इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स आर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ ऑनर. एजेंट के पास उन गुड्स का कब्जा है, कंट्रोल है, वो चीजें एजेंट के पास पड़ी हुई हैं, या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स, या एजेंट के पास डॉक्यूमेंट ऑफ ऑनरशिप टू द गुड्स है विद द कंसेंट ऑफ द ऑनर. ऑनर की कंसेंट के साथ डॉक्यूमेंट ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स एजेंट के पास है. एजेंट ने इन गुड्स को बेच दिया व्हाइल एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. एजेंट नॉर्मल बिजनेस के अंदर ऐसी चीजों को बेचता है. द थर्ड पॉइंट, द बायर एक्ट्स इन गुड फेथ विदाउट हैविंग एनी नोटिस. बायर ने पूरे यकीन और भरोसे के साथ इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल होता है और उसे इस बात का नोटिस भी नहीं है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट द एजेंट हैज नो अथॉरिटी टू सेल. बायर ने पूरे यकीन और भरोसे के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल हो गया, लेकिन उसे इस बात का कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त कोई भी नोटिस नहीं था, कोई भी ध्यान नहीं था कि एजेंट को इस चीज को बेचने की अथॉरिटी नहीं है. इस केस के अंदर बायर विल गेट द परफेक्ट ऑनरशिप. लेकिन स्टूडेंट इसके अंदर ध्यान रखेंगे, गुड्स का कब्जा या तो एजेंट के पास है या गुड्स की ऑनरशिप डॉक्यूमेंट एजेंट के पास है विद द कंसेंट ऑफ ऑनर. एजेंट इन वस्तुओं को नॉर्मल कोर्स के अंदर ही बेचता है. और तीसरी बात, बायर ने इन गुड्स को परचेस करते वक्त पूरे यकीन और भरोसे के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल हुआ है और बायर को एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी इस बात के ऊपर कोई शक नहीं हुआ कि एजेंट के पास इन गुड्स को बेचने की अथॉरिटी नहीं है. सो इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली एजेंट को बेचने की अथॉरिटी नहीं है, पर वो गुड्स को बेचता है, लेकिन एजेंट के पास गुड्स का पोजेशन है या गुड्स के ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं विद द कंसेंट ऑफ द ऑनर, और एजेंट इन्हीं चीजों के अंदर नॉर्मल कोर्स के अंदर डील करता है. बाहर पूरे यकीन और भरोसे के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होता है और उसे इस बात का नोटिस भी नहीं है कि एजेंट को इन गुड्स को बेचने की अथॉरिटी नहीं है. बाहर परचेस कर लेता है, एजेंट को अथॉरिटी नहीं है. द बायर विल गेट द परफेक्ट ऑनरशिप. नेक्स्ट पॉइंट, सेल बाय वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ऑनर्स. यहां पर गुड्स का ऑनर एक नहीं है बल्कि एक से ज्यादा व्यक्ति है. जब एक से ज्यादा व्यक्ति किसी चीज के ऑनर हैं तो हम उनको नाम देते हैं जॉइंट ऑनर्स. इफ वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ऑनर्स हु इज इन द सोल पोजेशन ऑफ द गुड्स बाय परमिशन ऑफ द अदर को ऑनर्स sells the goods, a buyer in good faith of those goods get a good title to the goods. अगर एक goods के एक से ज्यादा owner हैं और ये goods एक व्यक्ति के कब्जे में ही हैं with the permission or the consent of the owner, और ये व्यक्ति इन goods को बेच देता है जबकि ये व्यक्ति owner नहीं है बल्कि सिर्फ co-owner है. buyer इस case के अंदर अगर पूरे यकीन और भरोसे के साथ goods को purchase करता है, the buyer gets a good title to the goods. यहां पर बाहर को एक परफेक्ट ऑनरशिप मिलेगी. मैं आपके सामने के एग्जांपल को टेकअप कर रहा हूं. हमारे पास ये कैमरा है. मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर द जॉइंट ऑनर्स ऑफ ए प्रोफेशनल कैमरा. मिस्टर ए हु इज इन द सोल पोजेशन ऑफ द कैमरा विद द परमिशन ऑफ अदर को ऑनर दैट इज मिस्टर बी. ये कैमरा मिस्टर ए के कंट्रोल में है, ए के पोजेशन में विद द परमिशन ऑफ बी. Mr. A sells this camera to Mr. C. Mr. C is a buyer. Buyer इस कैमरे को ले रहा है ये सोच के कि A is the sole owner, जबकि A sole owner तो है ही नहीं, A is a co-owner. In this case, अगर buyer ने पूरे यकीन और भरोसे के साथ इस particular contract के अंदर शामिल होके इस कैमरे को purchase किया, the buyer who buys it in good faith gets a good title to the goods. Buyer will get a perfect ownership of the goods.
The next point, sale by a person in possession under a voidable contract. इन lines को explain करने से पहले मैं आपके सामने example को take up कर रहा हूँ. I will move on to these lines later on. A purchases a piano from B by fraud. A ने B के साथ एक धोखा किया और उससे पियानो परचेज कर लिया. A has a voidable title to the goods. A की ownership perfect नहीं है. B के साथ fraud किया गया है, तो B चाहे तो इस particular contract को cancel भी कर सकता है. और अगर B कोई action नहीं लेता, तो ये contract valid है. अगर B action लेता है, तो वो contract को void बना सकता है. अगर B कोई action नहीं लेता, तो ये contract valid है. So जो contract एक पार्टी की इच्छा के ऊपर वैलिड या वॉइड बनाया जा सके, दैट इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. इस केस के अंदर हमने नाम दे दिया, ए हैज ए वॉइडेबल टाइटल, ए हैज ए वॉइडेबल ऑनरशिप. अगर बी एक्शन ले लेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है. अगर बी एक्शन नहीं लेता तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. इससे पहले कि बी कोई एक्शन ले, बिफोर बी कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ए सेल्स द पियानो टू सी. ए ने सी को ये पियानो बेच दिया. C buys in good faith and in ignorance of the fraud. C ने इस पियानो को good faith पूरे भरोसे के साथ purchase कर लिया और उसे इस fraud का पता भी नहीं चला कि A ने B के साथ कोई fraud किया है. In this case, Mr. C will get the perfect ownership. C gets a good title to the piano. अब student, मैं आपके सामने उस पिछले paragraph के ऊपर आ रहा हूँ. Where the seller of the goods A, has obtained possession under a voidable contract. A ने B के साथ fraud किया और उससे एक piano को purchase कर लिया. ये contract voidable था. B action लेगा तो ये contract को void declare किया जा सकता है. अगर B action नहीं लेगा तो ये contract A और B का valid है. But the contract has not been rescinded at the time of sale. इससे पहले कि B इस contract को cancel करता, A ने गुड्स C को बेच दी. A ने पियानो C को बेच दिया. The buyer in our case C acquires a good title to the goods. Mr. C will get perfect ownership of the goods provided C buys them in good faith. C ने पूरे यकीन और भरोसे के साथ लिया है and without notice of the seller's defect of title. और उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि seller की ownership defective है. इस केस के अंदर the buyer, second buyer, he gets the perfect ownership, in our case Mr. C. Student, इन lines को explain करने से पहले आप इस example को अगर समझ जाएंगे तो वो lines जो कि पिछले paragraph के अंदर दी गई हैं आपको समझने में बहुत आसानी होगी. The next point is sale by seller in possession after sale. Where a seller having sold goods, जहां पर एक seller ने goods को बेच दिया है, but he still continues to be in the possession of the goods, लेकिन goods अभी भी उसके कब्जे में है. Are of the document of title to the goods, या उसके पास अभी भी goods के ownership documents हैं. And he sells them either himself or through a mercantile agent to a person who buys them in good faith and without notice of the previous sale. The buyer gets a good title. एक सेलर ने गुड्स को बेच दिया लेकिन अभी भी उन गुड्स का कब्जा, कंट्रोल, पोजेशन सेलर के पास ही है, या उस सेलर के पास अभी भी ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं. ये सेलर उन गुड्स को दोबारा या तो खुद बेच देता है या इसका बिजनेस एजेंट बेच देता है किसी ऐसे व्यक्ति को जो इनको परचेज करता है इन गुड फेथ, पूरे यकीन और भरोसे के साथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द प्रीवियस सेल. उसे प्रीवियस सेल का कोई भी नोटिस नहीं है. इन दैट केस द सेकंड बायर ही गेट्स द गुड टाइटल, ही गेट्स द परफेक्ट ओनरशिप ऑफ द गुड्स. तो स्टूडेंट, पहला बायर सेलर के खिलाफ क्या कर सकता है? द फर्स्ट बायर कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट द सेलर फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स. फर्स्ट बायर के पास इसके अलावा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन सेकेंड बायर, he gets the perfect ownership of the goods. इसी एग्जाम्पल को देखिएगा. Mr. S seller sells certain goods to B buyer and promises to deliver the goods the next week. S ने कुछ गुड्स B को बेची
और उसे एक प्रॉमिस दे दिया कि मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक डिलीवर करूंगा। बट बिफोर डिलीवरी टू मिस्टर बी, मिस्टर एस सेल्स एंड डिलीवर द सेम गुड्स टू मिस्टर टी। एस ने मिस्टर टी एक थर्ड पार्टी को गुड्स बेच दी, हु बायज देम इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द प्रायर सेल टू मिस्टर बी। मिस्टर टी गेट्स ए गुड टाइटल टू द गुड्स। मिस्टर टी के पास परफेक्ट ऑनरशिप आएगी, नॉट विद स्टैंडिंग दैट द प्रॉपर्टी हैड बिफोर ही परचेज पास टू मिस्टर बी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसकी पहले ऑनरशिप मिस्टर बी के पास गई है। जहां पर मिस्टर टी ने इन गुड फेथ परचेज किया है एंड विदाउट नोटिस ऑफ द प्रायर सेल ही विल गेट द परफेक्ट ऑनरशिप। इन दिस केस मिस्टर बीज ओनली रेमेडीज अगेंस्ट मिस्टर एस। मिस्टर बी जो कि फर्स्ट बायर है वो एस के खिलाफ एक्शन ले सकता है फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स। द सिक्स्थ पॉइंट इज सेल बाय बायर इन पोजेशन आफ्टर हैविंग बॉट और एग्री टू बाय द गुड्स। यहां पर बायर सेल कर रहा है, उसके पास गुड्स का कब्जा आ गया। बायर ने एग्री किया था कि मैं गुड्स को परचेज करूंगा या बायर के पास गुड्स का कब्जा आ गया। अब ये बायर गुड्स को सेल कर रहा है। सेल बाय बायर इन पोजेशन आफ्टर हैविंग बॉट, गुड्स को परचेज कर लिया और गुड्स का पोजेशन बायर के पास है, या गुड्स को परचेज करने के लिए उसने अभी एग्रीमेंट किया था लेकिन गुड्स का कब्जा उसके पास है, बायर के पास है। वेयर ए पर्सन हैविंग बॉट आर एग्री टू बाय गुड्स ऑब्टेन्स विद द कंसेंट ऑफ द सेलर पोजेशन ऑफ द गुड्स आर द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स एंड सेल्स देम ईदर हिमसेल्फ और थ्रू एन एजेंट। स्टूडेंट नोट कीजिएगा, जहां पर एक व्यक्ति ने गुड्स को परचेज कर लिया है या गुड्स को परचेज करने के लिए एग्रीमेंट किया है, इट इज ए केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। उस केस के अंदर इस व्यक्ति के पास गुड्स आ गई विद द कंसेंट ऑफ द सेलर, सेलर ने गुड्स बायर को दे दी। अब गुड्स का पोजेशन या तो बायर के पास है या गुड्स की ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट बायर के पास है। बायर उन गुड्स को या तो खुद बेच देता है या अपने एजेंट के थ्रू बेच देता है। द सेकेंड बायर हु एक्ट्स इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ एनी लियन आर अदर राइट ऑफ द ओरिजिनल सेलर इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स, द सेकेंड बायर गेट्स ए गुड टाइटल। इस पॉइंट को हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि यहां पर हमारे पास एक फर्स्ट बायर है और एक सेकेंड बायर है। फर्स्ट बायर ने गुड्स को परचेज कर लिया या गुड्स को परचेज करने के लिए एग्री किया और फर्स्ट बायर के पास विद द कंसेंट ऑफ द सेलर उन गुड्स का पोजेशन आ गया या उन गुड्स की ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स आ गए। फर्स्ट बायर ने उन गुड्स को या तो खुद बेच दिया या अपने एजेंट के थ्रू किसी को बेच दिया। द सेकेंड बायर हु एक्ट्स इन गुड फेथ और उसको फर्स्ट सेल का कोई भी अंदेशा नहीं है, कोई भी अंदाजा नहीं है कि इन गुड्स के ऊपर ओरिजिनल सेलर के, फर्स्ट सेलर के कोई अधिकार है, उसे इस बात का कोई भी नोटिस नहीं है। द सेकेंड बायर गेट्स ए गुड टाइटल टू द गुड्स, ही गेट्स द परफेक्ट ओनरशिप ऑफ द गुड्स। द नेक्स्ट पॉइंट, सेल इन मार्केट ओवर्ट। मार्केट ओवर्ट मींस ए लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड ओपन पब्लिक मार्केट, कानून के द्वारा बनाई गई एक ओपन पब्लिक मार्केट। ये मार्केट पब्लिक के लिए ओपन की गई है, कानूनन इस मार्केट को बनाया गया और ये पब्लिक के लिए ओपन है। इन इंग्लैंड देयर इज एन ओपन लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड मार्केट, इंग्लैंड के अंदर एक लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड कानून के द्वारा बनाई गई एक मार्केट है जो कि पब्लिक के लिए ओपन है। इफ ए बायर परचेजेज अ प्रोडक्ट फ्रॉम दिस मार्केट, अगर बायर ने कोई भी प्रोडक्ट इस मार्केट से परचेज की है, द बायर गेट्स द परफेक्ट ऑनरशिप, बायर को एक परफेक्ट ऑनरशिप मिलेगी इवन इफ द सेलर्स ऑनरशिप इज डिफेक्टिव। इट मींस अगर सेलर ने कोई वस्तु चोरी की हुई ली है और वो इसको बेचता है तो सेलर के पास तो ऑनरशिप है ही नहीं, बट द बायर विल गेट द परफेक्ट ऑनरशिप। बट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, देयर इज नो सच मार्केट इन इंडिया, देयरफॉर दिस पॉइंट इज नॉट एप्लीकेबल। स्टूडेंट यहां पर हमने कुछ पॉइंट्स को पढ़ा और उन पॉइंट्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। मैं आपके सामने इन पॉइंट्स को ले रहा हूं। जितने भी आपने इन केसेस को देखा है, सिक्स केसेस, द सेवंथ केस ऑफ मार्केट ओवर्ट इज नॉट एप्लीकेबल, तो पहले छह केसेस के अंदर, इन ऑल द सिक्स केसेस ऑफ ट्रांसफर बाय टाइटल बाय नॉन ऑनर, वहां पर नॉन ऑनर ने ऑनरशिप को ट्रांसफर किया है। उसके अंदर जो मेन
पॉइंट है वो ये होना चाहिए, द बायर एक्ट्स इन गुड फेथ, बायर पूरे यकीन और भरोसे के साथ इन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल करे, बायर को कोई शक ही नहीं हुआ कि जो व्यक्ति वस्तु बेच रहा है उसके पास ऑनरशिप राइट्स नहीं है। सो बायर एक्ट्स इन गुड फेथ, यहां पर जहां पर बायर ने गुड फेथ के अंदर काम किया, द लॉ प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द इनोसेंट बायर। चाहे सेलर की ऑनरशिप डिफेक्टिव है, लेकिन अगर बायर ने गुड फेथ पूरे यकीन और भरोसे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हुआ और बायर को कोई नोटिस ही नहीं था गुड्स की ऑनरशिप में कोई डिफेक्ट है, द बायर गेट्स द परफेक्ट ऑनरशिप। सेकंड पॉइंट, हाउएवर इन केस ऑफ स्टोलन गुड्स बाय अ थीफ, स्टूडेंट इसको भी याद रखेंगे, अगर गुड्स चोरी की हुई है एक चोर के द्वारा, इवन इफ द बायर एक्ट्स इन गुड फेथ, यहां पर अगर बायर गुड फेथ में भी काम करता है, ही शैल नॉट अक्वायर एनी टाइटल ओवर स्टोलन गुड्स, बायर को कोई परफेक्ट ऑनरशिप नहीं मिलेगी चोरी की गई वस्तुओं के ऊपर। बायर की क्या रेमेडी है फिर इस केस के अंदर, हिज ओनली रेमेडी इन दिस केस शैल बी टू रिकवर द प्राइस विच ही हैज पेड टू परचेज सच गुड्स, वो सेलर से सिर्फ अपना गुड्स का प्राइस ही रिकवर कर सकता है। He is also not required to pay anything for use of such goods by him before returning them to real owner. अगर बायर ने कुछ गुड्स को यूज किया है, for the time being उसने गुड्स को यूज किया है, तो बायर रियल ऑनर को इसके लिए कुछ पेमेंट नहीं करेगा। बायर सिर्फ गुड्स को रिटर्न करेगा, लेकिन अगर उसने गुड्स को कुछ समय के लिए यूज किया है तो वो रियल ऑनर को कोई अमाउंट पे नहीं करेगा। Now let's move on to the summary. Student, आपने नोट किया कि इस केस के अंदर बहुत सारे नॉन ऑनर्स ने गुड्स की सेल की है, वो गुड्स के ऑनर नहीं थे लेकिन उन्होंने फिर भी परफेक्ट ऑनरशिप बायर को दी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बायर ने गुड फेथ के अंदर आके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल हुआ। हमने जिन पॉइंट्स को डिस्कस किया मैं आपके सामने उन पॉइंट्स को टेकअप कर रहा हूँ, इन सभी पॉइंट्स के अंदर बायर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है। So, यहां पर हमने 7 पॉइंट पढ़े, द फर्स्ट पॉइंट वाज टाइटल बाय स्टॉपर, सेकंड बाय एजेंट, थर्ड बाय को ऑनर, द फोर्थ सेल बाय पर्सन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, द फिफ्थ वन सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल, द सिक्स पॉइंट सेल बाय बायर इन पोजेशन आफ्टर हैविंग बॉट गुड्स, एंड द सेवंथ पॉइंट इट इज नॉट एप्लीकेबल इन अवर कंट्री इन इंडिया दैट इज सेल इन मार्केट ओवर्ट। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ेगी और आपको चीजों को समझने में बहुत आसानी होगी। ये सारी की सारी चीजें नॉन ऑनर्स के द्वारा बेची जा रही हैं, बट द बायर विल गेट द परफेक्ट ऑनरशिप। थैंक यू वेरी मच।